गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज हम एस एस टी के फर्स्ट लेसन के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर समझेंगे आप ध्यान से देखिए वट इज द वैदरिंग ऑफ रोग चट्टानों का अपक्षय क्या होता है द ब्रेकिंग ऑफ रोग इन टू स्मॉलर पीसीज इज कॉल्ड वैदरिंग ऑफ रोग चट्टानों का छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना चट्टानों का अपक्षय कहलाता है हाउ डू बोरिंग एनिमल्स मेक द सोयल मोर फर्टाइल जानवरों द्वारा की गई खुदाई मिट्टी को ज़्यादा उपजाऊ कैसे बनाती है एनिमल्स मेक द सोयल लूज बाई डिगिंग जानवर मिट्टी को खोद कर उसे ढीला कर देते हैं दिस हेल्प्स द सोयल टू अब्जोर्व मोर एयर और यह उनको ज़्यादा हवा सोखने में मदद करता है दस दे मेक द सोल मोर फर्टाइल इसी तरीके से वो मिट्टी को ज़्यादा उपजाऊ बना देते हैं वट डू यू अंडरस्टैंड बाई द सोइल एरोजन मिट्टी के कटाव से आप क्या समझते हैं सोइल एरोजन इज द रिमूवल ऑफ द फर्टाइल टॉप सोइल बाय द एक्शन ऑफ विंड वाटर एयर एक्सेट्रा कि मिट्टी की ऊपरी परत का मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परत का हवा पानी इत्यादि के द्वारा बह जाना मिट्टी का कटाव कहलाता है डिफाइंड सॉइल कंजर्वेशन मिट्टी के संरक्षण को समझाएं या उसको एक्सप्लेन करना द प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल फ्रॉम एरोजन इज कॉल्ड सोइल कंजर्वेशन मिट्टी के को कटाव से बचाना सोइल कंजर्वेशन कहलाता है हाउ द हेज अराउंड अ क्रॉप फील्ड हेल्पफुल कि एक बाड़ फसलों के चारों तरफ बाढ़ लगाना किस तरीके से लाभदायक है या सहायक है? हेज सर्व्स एज ब्रेक्स प्रोटेक्टिंग द सोइल फ्रॉम स्पीडी जो बाढ़ होती है वो एक विंड ब्रेक का तटबंध का काम करती है जो कि तेज हवाओं से मिट्टी को बचाती है या उसकी सुरक्षा करती है एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ सोइल इन ब्रीफ की सोइल की बनावट को संक्षिप्त में समझाएं। सोयल इज़ फॉर्म्ड बाय द ब्रेकिंग ऑफ रोक्स इन टू टनी पार्टिकल्स की सोयल जो होती है वो चट्टानों के बिल्कुल महीन टुकड़ों में टूट जाने से बनती है और दिस प्रोसेस टुक ओवर थाउजेंड ऑफ ईयर्स और यह प्रक्रिया जो है हज़ारों साल के लिए होती है या हजारों साल तक चलती है एक्सप्लेन ब्रीफ जो मिट्टी की सबसे ऊपर की परत है उसके बारे में एक्सप्लेन करना है दिस लेयर इज मेड अप ऑफ मैन्योर लीव्स डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स यह जो परत होती है यह खाद पत्तों मरे हुए जानवरों और पेड़ों से बनती है द रूट्स ऑफ मैनी प्लांट्स फाउंड इन दिस लेयर की जो बहुत से पेड़ों की जड़ें हैं इसी परत में पाई जाती हैं स्टूडेंट्स ये आपके फर्स्ट लेसन के सेवन क्वेश्चन आंसर्स हैं इसको आपको अपनी सिलेबस नोटबुक में नोट करना है थैंक यू